अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तिमो ऐप जो कि 31 अक्टूबर से ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। इस ऐप को मैं पिछले एक साल से यूज कर रहा हूँ। इस ऐप से मैं भी काफी सारी चीजें मंगवा चुका हूँ। ये घड़ी भी मैंने तिमो ऐप से मंगवाई थी। इस तरह बहुत सारी चीजें मैंने तिमो ऐप से मंगवाई है जो कि बहुत चीप रेट में मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही कम रेट में मिल जाती हैं। दूसरी ऐप अमेजोन, नून या दूसरी ऐप्स जो हैं उनकी निस्बत इस ऐप से सस्ती तरीन चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो इस ऐप से सस्ती तरीन चीज़ें मिलती हैं। इस ऐप से आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी खौफ से अपनी पसंद की चीज़ें सस्ते रेट में मंगवा सकते हैं। तिमो एक ट्रस्टेड ऐप है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं 2023 में इसने 20 बिलियन डॉलर की सेल की थी और अब 2024 के पहले 6 महीने में इसने 15.33 बिलियन डॉलर की सेल कर चुकी है और 2024 का इसका टारगेट 54 बिलियन डॉलर है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐप काफी पॉपुलर हो चुकी है। इस ऐप के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी पसंद की सस्ती तरीन चीजें कैसे सर्च करनी है, कैसे ढूंढनी है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया। यहाँ से मैं तिमो ऐप को ओपन करता हूँ। पहले मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाता हूँ कि मैं इससे पहले चीजें परचेज कर चुका हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और कैसे आपने सस्ती तरीन चीजें खरीदनी है। यहाँ मैं अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ यूआर ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये चीजें मैं पहले इस तिमो ऐप से खरीद चुका हूँ। तो एक मैंने ये स्मार्ट वॉच खरीदी थी और उसके बाद मैंने एक ये लाइट भी मैंने खरीदी थी और पहले मैं अपनी घड़ी भी खरीद चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे सस्ती तरीन प्रोडक्ट ढूंढनी है और इसके ऊपर कैसे अकाउंट बनाना है। इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। यहाँ प्ले स्टोर पे आ जाना और ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है तिमो और इसको आपने सर्च कर लेना है। ये वाली ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब इसके ऊपर ये देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब इसके ऊपर आपने सबसे पहले अकाउंट बना लेना है। अकाउंट कैसे बनाना है, यू के ऊपर क्लिक कर लेना है, रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है, कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर लेना है और अपनी किसी एक जीमेल के साथ इसे आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपनी एक जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूं और इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूं, नोटिफिकेशन को अलाउ कर देता हूं और उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर देना है। तो मैं यहां अपना एक फ़ोन नंबर दे देता हूं। फ़ोन नंबर दे दिया, अब मेरे वेरिफिकेशन के लिए मेरे उस फ़ोन नंबर पर एक कोड आएगा। आपके भी इसी तरह आपके नंबर पर कोड आएगा। तो मैं कोड इंटर कर देता हूं। अब यहां मेरा अकाउंट बन चुका है। अकाउंट बनाने के बाद आपने एड्रेस अपना इंटर करना होता है। आप देख सकते हैं एड्रेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ ऐड ए न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने अपनी जो मोबाइल की लोकेशन है उसको ऑन कर लेना है, लोकेशन की परमिशन दे देनी है, उसे ऑन कर देना है और यहाँ आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान। नीचे आपने अपना नाम लिखना है, नीचे आपने अपना मिडल नाम अगर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और लास्ट में अपना लास्ट नेम लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर तो ऑलरेडी दे चुके हैं और इसके अलावा भी आप कोई फ़ोन नंबर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और नीचे आपने सेलेक्ट एड्रेस ऑन मैप के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस लोकेशन पर मौजूद होंगे ये ऐप खुद ब खुद आपका एड्रेस, आपकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेगी। अगर आप मैनुअली ऐड करना चाहें तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस तरह आपका ये अकाउंट सेव हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर सस्ती तरीन चीज़ें कैसे सर्च करनी है, उसका भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कैप है, इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जो कैमरे का निशान है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने वो उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। जो ही आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास जो आपने एटम सेलेक्ट किया होगा वो एटम आपको सस्ते तरीन रेट में नज़र आ जाएंगे। नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करते जाना है
और देखते जाना है। यहाँ आपको सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो रेट आपको अच्छा लगे उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ उसके बाद आप अपनी मर्जी से उसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद इसकी क्वांटिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में आप इसे खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ दोबारा भी आपके पास ऑप्शन है, आप किस कलर में खरीदना चाहते हैं। जब आप कलर चेंज करोगे तो मुमकिन है उसकी प्राइस भी कम ज़्यादा हो सकती है, तो आपने ये चेक कर लेना है कि अगर कलर चेंज करोगे तो उसकी प्राइस भी चेंज हो सकती है, ये आपने लाजमी चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल ये वाइट कलर की है तो ये 9 रियाल में मिल रही है, और ये जो रेड है ये 18 रियाल में मिल रही है, ये जो ब्लैक है ये भी 8 रियाल में मिल रही है। तो इस तरह कलर के हिसाब से इसका रेट होता है। और उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ये अब आपके कार्ट में ऐड हो चुकी है। तो इसको अब ऑर्डर प्लेस कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कार्ट, इसके ऊपर आ जाना है। अगर आप फ्री डिलीवरी चाहते हैं, यहाँ लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आप फ्री डिलीवरी ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान में हैं तो आप 6,000 से ऊपर तक का ऑर्डर करना है, और अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आप 70 रियाल से ऊपर का ऑर्डर करना है। एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ अपनी मर्जी से इसका साइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये मेरी कार्ट में ये आइटम भी ऐड हो चुका है। अगेन मैं कार्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं चेक आउट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। चेक आउट के ऊपर मैं यूं ही क्लिक करूँगा, यहाँ मैं अपना एड्रेस कन्फर्म करूँगा और उसे सेव कर दूँगा। अब ये मेरा एड्रेस सेव हो चुका है। अब मेरे पास पेमेंट करने के मेथड है, ऐड ए न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपके पास जो बैंक कार्ड है, मसलन MCB का है, HBL का, किसी भी बैंक अकाउंट का कार्ड है, तो आपने वो इंटर कर लेना है। अदरवाइज आप जैज कैश से और इजी पैसा से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। अपने कार्ड को ऐड करने के बाद आप आसानी से इस ऐप से परचेज कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह आप आसानी से इस ऐप से सस्ती तरीन आइटम अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।